हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है अनदर वर्ल्ड रिकॉर्ड नितिन गडकरी। वारे, ये तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, कमाल ही है। अब देखे ये कौन सा रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया इन्होंने। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Mahametro Nagpur and NHAI has created Asia Book of Record. The record for the India Book of Record. Maximum metro station constructed on double-decker viaduct. And second one is the longest viaduct with highway flyover and metro rail supported on a single column pier. Asian record. देश के पहले मल्टी लेयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास ट्रैफिक मैनेजमेंट और बेहतरीन सड़कों की जब भी बात होती है, तो महाराष्ट्र के नागपुर का नाम जरूर आता है। और नागपुर को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से साल दर साल बेहतर बनाने में महा मेट्रो की अहम भूमिका रही है। शहर में महा मेट्रो की टीम लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। ऐसा ही एक रिकॉर्ड है महा मेट्रो और NHAI के संयुक्त उपक्रम से वर्धा रोड पर बना ये वर्ल्ड क्लास मल्टी लेयर वायाडक्ट। 3.14 किलोमीटर की लंबाई वाला ये सबसे लंबा सिंगल कॉलम पियर सपोर्टेड मल्टी लेयर वायाडक्ट है। इसके साथ ही तकनीक के बेजोड़ इस्तेमाल से इस पर 3 मेट्रो स्टेशन भी बनाए गए हैं। ये दोनों खूबियां ऐसी हैं जो भारत में ही नहीं, एशिया में भी आपको नागपुर के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेगी। एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में महा मेट्रो का नाम दर्ज किया गया है। ये नागपुर समेत पूरे देश के लिए गर्व की बात है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसी भी शहर, राज्य या देश के विकास की परछाई है। साल 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस परियोजना का भूमि पूजन किया। वर्धा रोड पर बना ये मल्टी लेयर वायाडक्ट विकास की इसी कहानी का बड़ा हिस्सा है। 13 नवंबर 2020 वो तारीख है जब केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया था। 3.14 किलोमीटर लंबे इस मल्टी लेयर वायाडक्ट का 2.7 किलोमीटर लंबा हिस्सा 4 लेन है और 0.5 किलोमीटर हिस्सा 6 लेन है। इसके पहले लेवल पर पहले से मौजूद हाईवे है, दूसरे लेवल पर फ्लाईओवर हाईवे है और तीसरे लेवल पर मेट्रो चलती है। इसके दोनों तरफ के अप्रोच रैम की लंबाई 300 मीटर है। हाईवे फ्लाईओवर का रोड लेवल 9 मीटर है तो मेट्रो रेल का लेवल 20 मीटर है। इसके स्ट्रक्चर में रिब एंड स्पाइन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक उन्नत तकनीक है जिससे प्राकृतिक रोशनी और हवा समुचित मात्रा में आ सके। इस पर जो 3 मेट्रो स्टेशन तैयार किए गए हैं वो हैं छत्रपति चौक, जयप्रकाश नगर और उज्जवल नगर मेट्रो स्टेशन। ऐसे में अजनी मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन तक का ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा 3-tier ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। भूमि अधिग्रहण के लिए लगने वाले लागत की बचत हुई और कंस्ट्रक्शन में भी कम वक्त लगा। नागपुर के लाखों लोग जो पहले अजनी से एयरपोर्ट तक की दूरी 30 मिनट में तय करते थे, अब वो महज 4 मिनट में पहुंच जाते हैं। एक ही रास्ते से बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही की वजह से ट्रैफिक की भी समस्या बनी हुई थी। कई लोगों की तो फ्लाइट भी छूट जाती थी। ये दिक्कतें दूर हो गई हैं। मतलब ये है कि समय और ईंधन की बड़ी बचत ये मल्टी लेयर वायाडक्ट कर रहा है। लेकिन नागपुर के लिए जब इस बड़े प्रोजेक्ट की परिकल्पना की जा रही थी, तो सब कुछ इतना आसान नहीं था। लोगों की जरूरत के हिसाब से जगह का चुनाव, तकनीक का चुनाव और डिजाइन के तैयार करने के लिए महा मेट्रो ने NHAI के साथ मिलकर विशेष योजना तैयार की। महज 7 दिन के भीतर पहले से मौजूद छत्रपति फ्लाईओवर को ध्वस्त कर दिया गया। वर्धा रोड के दोनों तरफ यातायात को बिना कोई नुकसान पहुंचाए इसका निर्माण शुरू किया गया।
यहाँ पड़ने वाले रेलवे क्रॉसिंग का गेट बार बार बंद होने की वजह से ट्रैफिक जैम लग जाता था। ऐसे में महा मेट्रो ने इसका समाधान ढूंढा और रेलवे अंडरपास और रेलवे ओवरब्रिज की संकल्पना तैयार की गई और इसे मुकाम तक पहुंचाया गया। इस वायाडक्ट की वजह से मनीष नगर, जो रेलवे लाइन के दूसरी तरफ है, उसको फ्लाईओवर से कनेक्ट करना संभव हो सका, जो कि अत्यंत लंबे समय से विभिन्न तकनीकी कारणों से प्रलंबित था। ये भी जानना जरूरी है, गडकरी जी और महा मेट्रो के कामकाज पर नागपुर के लोगों का पूर्ण विश्वास रहा है, जिससे प्रोजेक्ट के लिए लोगों का भरपूर समर्थन मिला। किसी भी तरह की अव्यवस्था की कोई समस्या इसे पूरा करने के वक्त तक नहीं देखने को मिली। वर्धा रोड पर बने मल्टी लेयर वायाडक्ट की तरह कामठी महामार्ग पर महा मेट्रो की ओर से 5.8 किलोमीटर लंबाई का मल्टी लेयर वायाडक्ट तैयार किया जा रहा है, जो अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एशिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। यार, मैं तो इंप्रेस हो गई हूँ सच्ची में, जितना मतलब अमेजिंग काम कर रहे हैं। और इंडिया में तो वैसे इतनी भीड़, ट्रैफिक जैम हमारे टाइम में होता था यार। घर से निकलो पता होता था कि पता नहीं कब पहुंचेंगे, कोई पता नहीं है, देर घंटे घंटे लग जाने। स्कूल से आते थे पता होता था कि अभी 2-3 घंटे तो रस्ते में ही लग जाने, थक मर के घर पहुंचते थे, फिर होमवर्क करना होता था, आधा टाइम तो वहीं खत्म हो जाता था। और अब जाके जो है ये लोग कितना अच्छा कर रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ सबसे ज्यादा जरूरत तो दिल्ली में होगी, दिल्ली में नहीं हो रहा। ऐसे 3 लेयर्स उन्होंने किए इंडिया में, दिल्ली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको ऐसे 3 लेयर्स चाहिए। और व्हाट अ ब्रिलियंट वे ऑफ डूइंग इट। पहले तो मुझे समझ ही ना है मल्टी लेयर का, मल्टी लेयर जो दिखाया, मैं तो इतनी इम्प्रेस हुई हूँ यार। दिस इज जस्ट अमेजिंग, कमाल का काम कर रहे हैं ये, अमेजिंग है। इनको बोलो दिल्ली प्लीज आ जाओ, वहां पे भी कर दो, ताकि हम भी जब जाएं तो हमें भी ये सब हो। और आई एम होपिंग कि जब भी हम दिल्ली जाएं, ऐसे ट्रैफिक जाम हमें जो हमारे टाइम में थे वो ना हो। वो मुझे देखना है कि क्या वहां पे इस टाइप की सॉल्यूशंस की हैं कि नहीं की। एंड इसे क्लियर हो रहा है कि मिस्टर गडकरी ने पहले अपना दिखाया सॉल्यूशन नागपुर में, तो उन्होंने पहले नागपुर को ठीक किया इंफ्रास्ट्रक्चर का, फिर बोला कि देखो जितना ये कंजस्टेड मेरा पूरा एरिया था, मैंने उसमें इतना चेंज लाया हूं मैं, और यही अब मैं पूरे देश में करूं। अमेजिंग सॉल्यूशन। तो ये देखिए कि पार्टी ने भी बहुत सोच समझ के लोगों को सीनियर पोजीशंस दी हैं। उनको वो चाहिए था कि तुम मुझे दिखाओ तुमने क्या किया है। अच्छे, अगर कोई बोलता मैं इस पोजीशन में जाता हूँ, उसमें दिखाओ तुमने अभी तक ऐसा कुछ किया है, तो मिस्टर गडकरी ने बोला होगा देखो भैया नागपुर में आओ, पहले सिचुएशन देखो और देखो किस तरीके से ट्रैफिक जाम होता था, कितने कितने सारे लोग थे, क्या क्या छोटे रास्ते थे। अब मैंने उसी में अब कितनी इनोवेशन की है कि एक के ऊपर एक कर दिया है, और कैसे पूरा ट्रैफिक जो है 30 मिनट 4 मिनट बन गया। नजर आ रहा था कि कितने आसानी से लोग आ पा रहे हैं, जा रहे हैं, ऊपर ट्रेन जा रही है, तो उन्होंने दिखाया कि वहीं पर ही 3 या 4 मेट्रो थे, तो बहुत ही बढ़िया काम किया। और अगर थोड़े और इंटरसेक्शन कर ले तो कोई बता नहीं पाएगा कि ये मतलब जैसे एक समय फॉरेन कंट्रीज होती है, लोग बता नहीं पाएंगे ये फॉरेन कंट्री है कि ये इंडिया है। इवेंचुअली इंडिया ही फॉरेन कंट्री बन नहीं जो हम लोग टेक्सास यहाँ पे भी कई एक मैंने व्लॉग में भी दिखाया था कि कैसे यहाँ से वो जा रहा है, फिर एक उसके ऊपर से जा रही है, फिर इधर से जा रही है, वो भी काफी इंप्रेसिव है। अगर बहुत ट्रैफिक है तो उस टाइप का, क्योंकि आपको 4 लेवल तो यहाँ भी नजर आते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि रोड के ऊपर ट्रेन नहीं देखा कि ये रोड नजर आएगी, और रोड के यहाँ पे साइड में ट्रेन ऊपर आती है। मतलब आप जा रहे हैं रोड में और रोड के साइड में ऊपर एक ट्रेन जा रही है, एक के ऊपर एक स्टेशन नहीं है यहाँ, रोड के ऊपर ट्रेन नहीं है मगर रोड के साइड में ट्रेन। ये तो एक के ऊपर डिजाइन डिफरेंट है। और रीजन ये भी है कि यहाँ पे देखिए इश्यू ये था, सब कंस्ट्रक्शन है राइट, साइड में यहाँ कंस्ट्रक्शन, जगह की कमी है ना, एक रोड है बस, दैट्स इट, एक रोड है जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, ऊपर ऊपर क्या करेंगे, एक रोड के ऊपर डबल ट्रिपल। ये वो वाले ब्रिजेस यहाँ पे हैं, मल्टी लेयर ब्रिज है कि नीचे एक ब्रिज जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है ट्रैफिक, उसके ऊपर एक और ट्रैफिक जा रहा था, वो वाले यहाँ पे है। मगर ये जो वो ब्रिज की बात है कि अलग से आप पानी के ऊपर ब्रिज बना रहे हैं, मगर ये बहुत अमेजिंग है कि एग्जिस्टिंग रोड के ऊपर इतने टीयर बनाना। और मेरे ख्याल से ये जो मॉडल है ये हर सिटी में जाएगा, होना भी चाहिए। केवीसी गडकरी ने यही दिखा होगा, देखो जो मैंने किया
सेम हर सिटी में यही सोल्यूशन, जहां जहां ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वहां हर जगह ये वेरी नाइस nice. बहुत अच्छा, मजा ही आ गया यार, कमाल है. तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.